अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। इस वक्त मैं हूँ जी पैनल रूम के पीछे या आगे, जो भी आप कह सकते हैं। मैं जी इस वक्त लाइट चेक करने आया हूँ, इन्वर्टर कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, सोलर कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं और इन्वर्टर कितनी शो कर रहे हैं। अभी जी ये वाला इन्वर्टर शो कर रहा है 2.1, मतलब 2 किलोवाट है। और ये वाला इन्वर्टर शो कर रहा है जी 10.64, 10.14, 9.14 फ्लक्चुएट कर रहा है जी। चलें जी, कोई बात नहीं। लोड इस टाइम है 7.2 किलोवाट। मीटर से हम -166 -7 वाट जी। इस वक्त जी 3.9 किलोवाट शो कर रहा है। ये फ्लक्चुएशन पता नहीं किस चीज़ की है। लाइट इसलिए चेक की है जी, जो मैंने गंदम उस दिन वॉशिंग की थी ट्रायल्स के दौरान, उसको एक ओहदे से दूसरे ओहदे में शिफ्ट करना है। अगर वो ज़्यादा दिन, मतलब 3-4 दिन तक अगर एक ही जगह वो पड़ी रही तो दबाव की वजह से वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बीच में बारिश भी थी एक दिन, तो 2 दिन बल्कि जी, आज तीसरा दिन है। तो वॉशिंग भी करनी है और मेरा इरादा है कि उसको दूसरे ओहदे में शिफ्ट कर दूं ताकि वो ख़राब ना हो ना। तो अभी चलते हैं जी ऊपर। लें जी हम आ गए हैं ऊपर, अभी पैनल ऑन करते हैं। पैनल हो गए हैं जी ऑन। ये मेरी मिल और ये है जी काला सेठ। नहीं जी, नीचे से और ऊपर आ गए जी, ऊपर से भी और ऊपर। यहाँ पर जी ये 2 नंबर पर है, अभी इसको 1 नंबर पर कर दिया है। अभी माल जो है 1 नंबर ऊपर में गिरेगा। इसके बाद जी ये जाले शाले साफ करने हैं और ये जो मेंटेनेंस का काम है, क्योंकि आज शायद मिल भी चले, ये भी टूटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिवेटर नंबर 2, और रोल पेटी वरम। अभी नीचे जाते हुए इसमें तो अभी अंधेरा है। ये है जी गंदम, खुशक है, इतना मसला नहीं है, फिर भी एहतियात ज़रूरी है। ये जी अभी देखें गंदम आ रही है और कुछ ही देर में गंदम उस सौदे में से इस सौदे में आ जाएगी। के गेट मैंने मुकम्मल खोल दिए हैं, एक आध बैक साइड से ओपन कर दूंगा ताकि जब मैं आगे से ब्लोअर लगाऊं तो
धूल जो है वो बैक साइड पे आ जाए। वैसे तो अमूमन चलती हुई मिल में लगाना चाहिए, लेकिन काफ़ी अर्से से लगाया नहीं है। डोर लगा दिया है जी, अभी कुछ सॉकेट्स लिफ्टों की हैं तो वो भी चेंज कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर तो है ही नहीं है, इनको भी चेक कर लेंगे। इस तरह जो जो ख़राब होगी वो चेंज कर देंगे। चाय का टाइम हो गया जी, चाय आ चुकी है।